अगर आर्टिस्ट नाथवानों को रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक बुला लिया जाए मैदान में, तो सब जाली आशिक होंगे, उनमें से इशा की नमाज कितनों ने पढ़ी होगी और फजर की नमाज कितनों ने पढ़ी होगी, कभी हिसाब लिया? मैं जलसे में गया, एक बड़े खतीब ये शेर पढ़ रहे थे, इश्क़ मोहम्मद पे मुस्लिम का इजारा नहीं, ये हिंदू का शेर है, लोग वाहवा कर रहे थे। मैंने कहा भाई आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? उसने तो जैसे भी कहा जो भी कहा, मुसलमानों को एंटरटेन करने के लिए कहा, लेकिन जो अल्लाह के हबीब पर ईमान न रखता हो वो आशिक हो सकता है? ज़ोर से बोलो, जो अल्लाह के हबीब पर जिसका ईमान न हो, आपकी रिसालत पर जिसका ईमान न हो, वो आशिक मुस्तफ़ा हो सकता है? तो फिर ये पैगाम दिया कि अब इश्क के लिए ईमान भी ज़रूरी नहीं है। तो ये काम जो शुरू किया गया, और मजालिसे नात का सिलसिला तो फैला दिया गया, लेकिन इस कौम को कौन बताए कि एक खुशगुलू आर्टिस्ट को एक एक रात में लाखों रुपए दो, और जो अल्लाह के प्यारे हबीब की हदीस महीना भर पढ़ाए, जो अल्लाह के कलाम की तफसीर महीना भर पढ़ाए, उसको आप महीने में तो क्या साल में भी देते हो? तो फिर ये इश्क़ मुस्तफ़ा है? ज़ोर से जवाब दो ना। तो ये आप लोगों ने गुज़श्ता 20 साल में कारनामा अंजाम दिया है, इसलिए दूसरों के इदारे देखो, उनकी तादाद देखो, फिर अपना जायज़ा लो। इसी तरह से अब क्या हुआ कि दीन की बुनियाद पर अगर हमला करना हो तो हुजूर वाला, अगर हम साइंस या टेक्नोलॉजी सीखना चाहेंगे तो आगे की तरफ देखेंगे, और दीन जानना चाहेंगे तो बोलो तो पीछे की तरफ देखेंगे, जहाँ से दीन चला है।